सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। एक बात पर आपने भी कभी ना कभी गौर जरूर किया होगा, एक सवाल जो आपके मन में भी कभी ना कभी जरूर आया होगा और आपने सोचा होगा कि ये जो कुत्ते होते हैं वो रात के वक्त में क्यों रोते हैं और खास करके ये कुत्ते फजर के वक्त में क्यों रोते हैं। जब फजर की अजान होना शुरू होती है तो उस वक्त में ये ज्यादा क्यों रोते हैं। अगर आपके भी दिमाग में यह सवाल घूम रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कुत्ते रात के वक्त में क्यों रोते हैं और खास करके फजर की अजान के वक्त में ज्यादा क्यों रोते हैं। इसकी वजह जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके इसको शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह ताला ने जानवरों को एक खास ताकत अता फरमाई है जो कि इंसानों के पास में नहीं होती है, जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि तमाम मखलूकात में सबसे अफजल बनाया है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने वो खास ताकत अता नहीं की है जो कि जानवरों के पास में होती है। अल्लाह ताला ने इंसानों को ऐसी ताकत नहीं दी है जिससे वो चलते फिरते घूमते फिरते शैतानों को, बलाओं को और आफतों को अपनी खुली आंखों से देख सके, मगर अल्लाह ताला ने यह खास ताकत जानवरों को दी है, इसलिए जानवर शैतानों को, आफतों को और बलाओं को देख सकते हैं, मगर यह बेजुबान होने की वजह से इंसानों को बता नहीं सकते हैं। इसलिए जब भी किसी शैतान को, किसी आफत को या बला को देखते हैं तो यह जानवर अपने तरीके से और अपनी आवाज में इंसानों को खबरदार और आगाह करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा खास करके फजर के अजान के वक्त में ज्यादा देखने को मिलता है। कुत्ते फजर के अजान के वक्त में ज्यादा रोते हैं क्योंकि जितनी भी बलाएं होती हैं, जितने भी शैतान होते हैं वो रात के वक्त में ज्यादा बाहर निकलते हैं, और जैसे ही फजर में अजान की आवाज सुनती हैं तो ये भागने लग जाते हैं। जिनको कुत्ते अपनी खुली आंखों से देख लेते हैं फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। दोस्तों एक बात पर आपने भी गौर किया होगा कि अगर किसी इलाके में, किसी मोहल्ले में बहुत ज्यादा कुत्ते रोना शुरू कर देते हैं और बराबर कई दिनों तक वो रोते रहते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद में उस इलाके में, उस मोहल्ले में किसी न किसी की मौत हो जाती है। इसलिए अगर किसी मोहल्ले में, किसी इलाके में कुत्ते रोना शुरू कर देते हैं तो लोग इन्हें मनहूस और आवारा कहकर वहां से मारकर भगा देते हैं। याद रखें कि यह बेजुबान जानवर बेचारा कैसे मनहूस हो सकता है, उसे तो इस बात का इल्म हो जाता है, इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उस इलाके में, उस मोहल्ले में कोई ना कोई आफत आने वाली है, इसलिए वो बेचारे अपने तरीके से और अपनी आवाज से हम लोगों को आगाह करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यही हाल उल्लू का है और यही हाल गधे का भी है। लोग इनको भी मनहूस बोलते हैं और इन्हें बर्बादी, दुख और तकलीफ का सिंबल बना दिया है, जबकि ये सब फिजूल की और बेकार की बातें हैं। दोस्तों जब कुत्तों को और गधों को रात को रोते हुए सुनो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान से, क्योंकि वो कुछ ऐसा देख सकती हैं जो कि हम नहीं देख सकते हैं। कुत्ता और गधा शैतान को अपनी खुली आंखों से देख सकता है, इसलिए हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुँच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।